कल का जो बंद है, पहले तो आप सबको समझना चाहिए कि बंद कोई राजनीतिक कारण के लिए बंद नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में और वैसे देखा जाए तो पूरे देश में लोगों के मन में एक डर का साया है कि जहां भी मेरी बेटी जाती है उस स्कूल में, जहां भी मेरी बेटी जाती है उस हॉस्पिटल में, जहां भी मेरी बेटी जाती है या बहन जाती है या मां जाती है उसके ऑफिस में, क्या वो सुरक्षित है? तो आज के दिन में उसका उत्तर नहीं ऐसा ही आता है। और इसलिए मैंने ये जो दिखा रहा हूं कागज, उसके ऊपर पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हैं। मतलब अगर आप देखें तो 13 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक लगभग 8-9 दिन की घटनाएं, लगातार रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और कल का जो बंद है सिर्फ बदलापुर के लिए नहीं है, ये पूरी जो घटनाओं का क्रम है उसके खिलाफ है। कल की जो घटना हुई कल, मतलब बदलापुर की, हाईकोर्ट ने तो उसकी हाईकोर्ट ने लताड़ा है, लेकिन सिर्फ एक घटना लेकर नहीं चलने वाली बात। हमें जो भी उसको हम नराधम ही कहते हैं, ऐसे विकृत जो नराधम है उनके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र की जनता एक हुई है। अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए कल का बंद है। और कल का बंद, मैंने जैसे कहा कि त्योहार के दिन है, गणपति बाप्पा आने वाले हैं, दही हंडी है, तो कल हम 2 बजे तक बंद रखना चाहते हैं। और मैं आह्वान करना चाहता हूं, आह्वान मतलब विनती करना चाहता हूं, आप सारे लोग, मैं जनता को अपील कर रहा हूं, आप किसी भी मजहब के हो, आपकी भाषा कोई भी हो सकती है, पार्टियां कुछ भी कोई हो सकती है, लेकिन आप सब मिलकर अपने बच्चियां, अपनी बहनें, माताएं, उनके लिए कल का बंद जो है उसमें सहभाग लें। और वो चाहे दुकान हो या कुछ भी हो, आपका व्यवहार 2 बजे तक आप बंद रखें। लेकिन जीवनावश्यक सेवा जो रहती है, जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, न्यूज़पेपर है, वो तो खुली रहेगी।